और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस्लाम तो वो दीन है जिसने इन सारी चीज़ों को, इस कौमियत परस्ती को, इस तासुब को, इस नस्ली तासुब को ख़त्म कर दिया। अब इस पैगाम को, इस अख़ुवत और भाईचारे के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, के मुसलमान मुसलमान का भाई है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। इस पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बड़ी फ़िक्र हुआ करती थी कि मुसलमान आपस में भाईचारे के साथ रहें, अख़ुवत के साथ रहें, लड़ाई झगड़ा ना हो। एक मरतबा ग़ज़वा हुनैन के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन की दिलजोई के लिए कि उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, बीवी बच्चे बाज़ ने छोड़े और अपना इलाका छोड़कर मदीना हिजरत की अल्लाह रसूल की रज़ा की खातिर, तो ग़ज़वा हुनैन के मौका पर मुहाजिरीन की दिलजोई की खातिर सारा माल गनीमत अल्लाह के नबी ने मुहाजिरीन में तकसीम कर दिया। अनसार परेशान हो गए कि न जाने क्या माजरा है, हमसे कोई गलती हो गई कि अल्लाह के नबी ने सारा उनको अता फरमा दिया, हमें नहीं दिया। तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अनसार के सरदार थे, वो हुजूर के पास आ गए, हाजिर खिदमत हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमसे कोई ख़ता हो गई, कोई गलती हो गई कि सारा माल आपने मुहाजरीन में तकसीम फरमा दिया और अनसार को कुछ नहीं दिया? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ साद, तू इस मामले में कहाँ खड़ा है, तेरी क्या राय है? तो दिल के सच्चे थे, खरे थे, तो अर्ज़ करने लगे, हुजूर मेरी भी यही राय है जो बाकी अनसार की राय है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि जाकर अनसार को समझा दो, ये कह दो, वो कह दो, अगर वो अल्लाह के नबी इस तरह भी कह देते तो काफ़ी हो जाता। नहीं, उम्मत को सबक दिया कि अख़ुवत भाईचारे को कायम करना, बदगुमानियों को ख़त्म करना कितना ज़रूरी है। फरमाया, अनसार को फलां मैदान में जमा कर दो। सारे अनसार को मैदान में जमा किया गया, अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, जलवा अफरोज़ हुए और ख़िताब इरशाद फरमाया, क्या अनसार मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या तुम गुमराह नहीं थे, अल्लाह ने मेरी वजह से तुम्हें हिदायत नसीब की, क्या तुम जलील नहीं थे, मेरी वजह से अल्लाह ने तुमको इज़्ज़त अता की? और फिर अनसार से कहा, तुम बोलते क्यों नहीं, अगर तुम कहना चाहो तो ये कह सकते हो। इंसाफ़ की बात की ना। फरमाया कि अगर तुम कहना चाहो तो ये कह सकते हो कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम ने आपको घर से निकाल दिया, हमने आपको पनाह दी। और फिर फरमाया कि मुहाजरीन मेरे बाहर का लिबास हैं और अनसार मेरे अंदर का लिबास है। ऐसी नस्बत मिल गई अनसार को, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक में जो तासीर है, वो कायनात के किसी फ़र्द में ना है ना हो सकती है। तो अनसार ज़ारों की तार रोने लगे, दाढ़ियाँ तर हो गईं। रिवायत में आता है कि दाढ़ियाँ तर हो गईं। और अल्लाह के नबी ने पूछा, अनसार क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि लोग तो बकरियाँ और भेड़े ले जाएँ और तुम अल्लाह के नबी को ले जाओ? तो उन्होंने कहा, रज़ीना, हम राज़ी हैं, हम इस पर राज़ी हैं। मामले को सुलझा दिया। अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त व इकराम क्या है, वो तकवा और परहेज़गारी है। ये नहीं है कि मैं सेठ साहब हूँ, मैं चौधरी साहब हूँ, मैं भट्टी साहब हूँ, मैं राय साहब हूँ, मैं फ़लां साहब हूँ। ये सारी चीज़ें इस्लाम ने ख़त्म कर दी, और किस हद तक ख़त्म की, आप ज़रा मुलाहज़ा फरमाएँ कि हज़रत सुहेल बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं जो सुलह हुदैबिया के वक़्त मुशरिकीन मक्का की तरफ से कासिद बनकर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के लिए आए, और बड़े दाना और बड़े समझदार थे। तो एक मरतबा हज़रत सुहेल बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु और चंद सहाबा जो पहले सरदारों में शुमार होते थे, वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास हाज़िर हुए। बंदा भेजा गया कि फ़लाँ फ़लाँ लोग आपके पास मिलने के लिए आए हैं। हज़रत उमर ने कहला भेजा कि उनको बाहर बिठा दो, उनको बाहर बिठा दो। अब ये बैठ गए और इंतज़ार शुरू कर दिया जो पहले सरदार हुआ करते थे।
थोड़ी देर गुजरी, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हो और उनके साथ एक और सहाबी, वो भी ग़ुलामों की लिस्ट में से थे पहले, तो वो तशरीफ़ लाए, अंदर पैगाम भेजा गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फ़ौरन फरमाया कि उनको अंदर भेज दो। अब जिनको इस्लाम से पहले ग़ुलाम समझा जाता था इनको अंदर बुलाया जा रहा है, और जिनको सरदार समझा जाता था उनको बाहर इंतज़ार पे लगा दिया गया। उन्होंने आपस में गुफ्तगू शनीद की कि वाह, ये दिन भी देखने थे कि आज ग़ुलामों को तो अंदर बुलाया जाता है और सरदारों को इंतज़ार पे बिठा दिया जाता है। हज़रत सुहेल बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी ख़ूबसूरत बात कही। उन्होंने फरमाया कि ये उनका हक़ बनता है कि इन्होंने, इन ग़ुलामों ने उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहा जब तुम हुज़ूर की मुखालफत कर रहे थे। ये अव्वलीन में से हैं और तुम उस वक्त मुखालफत कर रहे थे, और उसी वक्त उन्होंने तलवार ली और जिहाद के लिए निकल गए और शहीद हो गए। तो इस्लाम वो दीन है, वो ख़ूबसूरत दीन है कि जिसके अंदर ऐसा कोई तसव्वुर नहीं जो मादी दुनिया के अंदर मौजूद है। इस्लाम का ये पैगाम है इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। बोलो भाई, मोमिन आपस में भाई भाई हैं।